हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक में। तो यार मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप ये कोई टेक्सचर पैक यूज़ करो। तो मैंने कुछ ट्राई किए थे, बट जो वेनिला लुक होता है ना माइनक्राफ्ट का, वो सबसे बेस्ट होता है। एंड ये वाला जो टेक्सचर पैक है ना, ये फेथफुल, तो फेथफुल काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम सेम ही है, थोड़ा सा HD लग रहा है, बट ठीक है। वेनिला ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को वैसे। एंड एक यूज़र ने मेरे को सेंड भी किया था, शायद वो थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप का था, काफ़ी ज़बरदस्त था वो टेक्सचर पैक। बट वीडियोस में जो है मैं नॉर्मली यूज़ करने वाला हूँ अपना BSL शेडर एंड उसके साथ नॉर्मल वेनिला टेक्सचर पैक, ताकि यार एकदम वो जो फील होती है ना माइनक्राफ्ट की, वो आनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने एक पांडा के लिए बहुत शानदार प्यारा सा एक आइलैंड बनाया था। उसके अलावा जो है अपनी नेक्स्ट फेज भी आने वाली है, एंड उससे पहले जो काफ़ी ज़्यादा जो है डायमंड्स मिल चुके हैं हमें। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चेस्ट भी रख दिए, ये मैं बताना भूल गया। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चेस्ट बना दिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आइटम्स मिलने लग गए हैं। तो यार एक ही चेस्ट के अंदर तो कचरा हो रहा था सब, तो मैंने थोड़ा सा इसको अलग अलग बांट दिया है। थोड़ा बहुत और टाइम बाकी है, फर्स्ट डायमंड पिकेक्स बना लेते हैं अपन फटाफट से। तो डायमंड पिकेक्स बन गई है यहाँ पे, क्योंकि यार मैं भी अब ऑब्सिडियन आ जाए नेक्स्ट फेज में, तो डायमंड पिकेक्स की जरूरत पड़ेगी। एंड आयरन पिकेक्स यार ज़्यादा लंबी चलती भी नहीं है, तो डायमंड पिकेक्स काफ़ी लंबी चलने वाली है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो ठीक है, एंड मेरे पास ओके एक्स नहीं है, तो एक्स बना लेता हूँ आयरन का, क्योंकि डायमंड अभी मेरे पास सिर्फ कितने बचे, 4 बचे हैं। तो मे भी आगे कहीं काम आ जाए, कुछ चीज़ें बनानी पड़ जाए मेरे को, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट फेज कौन सा होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो यार नेक्स्ट फेज में बस मेरे को एक लावा की बकेट मिल जाए यार, ताकि मैं कोबलस्टोन जनरेटर बना सकूं। ओके, तो नेक्स्ट फेज है रेड डेजर्ट, तो इस पे अपने को हीट डस्ट एंड डेथ। पता नहीं इस रेड डेजर्ट में क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे को रेड सैंड दिख रही है, ये आई थिंक रेड सैंड ही है, यस रेड सैंड है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है अपने को। अगर कॉन्क्रीटें मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हो जाएंगी यार, काफ़ी मतलब अपन जो मेज वर्ल्ड में ना एक बनाने वाला हूँ मॉडर्न हाउस, तो उसके लिए अगर ब्लॉक्स मिल जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या क्या मिलता है अपने को, थोड़े बहुत माइन तोड़ते हैं इसको। एंड अब जो अपना जो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शेप करने लग गया है। एंड काफ़ी ज़्यादा ओके एमरल्ड मिला है अपने को, भाई सही है एमरल्ड मिला है। तो एंड काफ़ी अच्छे ब्लॉक्स मिल रहे हैं इसमें, जो अपन मॉडर्न हाउस बना सकते हैं इससे। तो देखते हैं कितने ब्लॉक्स मिलते हैं इस फेज के अंदर। एंड एमरल्ड फिर से मिला है, बट एमरल्ड का करूँगा क्या मैं, विलेजर्स तो है नहीं अपने पास। चलो कोई नहीं, कुछ तो काम आगे जाके तो मिलेंगे ही विलेजर्स, तब तो ज़रूर काम आएंगे ये। ओके गाइज, तो अपना फर्स्ट विलेजर यहाँ पे, इसका नाम क्या है, फर्नैंडो। ओके, नाम भी दे के भेजा है इसको वन ब्लॉक वालों ने। तो भाई फर्नैंडो, तेरे लिए अब जगह करनी पड़ेगी, कहाँ पर रहेगा तू, यस बोल भाई कहाँ रहना चाहता है तू। तो ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पहले मैं इसके लिए बोर्ड बना देता हूँ। ये भाई कहाँ जा रहा है, रुक जा भाई, अभी यहाँ पे मॉब्स बहुत ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा आराम से रहने का यहाँ पे। तो एक काम कर सकते हैं इसके लिए अपन, पहले तो मैं एक बोर्ड बना लेता हूँ ताकि इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करते हैं, जब तक अपने को दूसरा विलेजर नहीं मिलता है। 2 विलेजर मिल जाएंगे उसके बाद तो अपन इनको ब्रीडिंग कराएंगे। कहाँ गया भाई, ओके ये तो ऑटोमेटिक ही ऊपर जा रहा है, तो आई थिंक इसको ये जगह ज़्यादा पसंद आ रही है। तो इन एक काम करते हैं ना यार, अच्छा आइडिया है, ये जो टॉप फ्लोर है ना, ये विलेजर्स का ब्रीडिंग के लिए रहने देते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलेजर्स हो जाएंगे। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको प्रोफेशन दे देंगे। तो अभी मेरे को एक विलेजर और चाहिए, फर्नांडो, यहाँ पे मस्ती कर दूँ, आ रहा हूँ मैं, ठीक है, तेरे एक कोई सी दोस्त को लेके आता हूँ, ठीक है, ओके बस मिल जाए एक और। ऑलराइट, तो देखते हैं नेक्स्ट विलेजर कितनी देर में मिलता है। एंड ये बंदा ओके विलेजर है यार ये तो, बट इसके हाथ में कुछ एक्स और कुछ है नहीं, क्या हमला नहीं कर रहा है यार। तो यार ये मेरे को फ्रेंडली पिलेजर लग रहा है, एक काम करते हैं इसके लिए भी बोर्ड बनाते हैं, एंड इसको भी सुरक्षित रखते हैं कहीं ना कहीं, क्या पता आगे जाके कहीं पे काम आ जाए ये। तो मेरे पास अभी तो स्प्रस के लोग पड़े हुए हैं, स्प्रस की बोर्ड बना देते हैं एक स्प्रस बोर्ड। ओके, इन्वेंटरी भाई फुल हो चुकी है, डायमंड भी मिल रहे हैं, एमरल्ड भी मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है अब तो अपने। एंड अपना जो वन ब्लॉक का वर्ल्ड है, काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस हो रहा है। पहले इसको बिठा देते हैं इसके अंदर, एंड देन इसके लिए जगह सोचते हैं कहाँ रखते हैं। एंड ये उधर कहाँ देख रहा है भाई, उधर मत देख यार, सामने देख, सामने। अब पता नहीं इसकी गर्दन क्या फ्रीज हो गई क्या। ओके, तो इसको भाई ये एक ही जगह पे देख रहा है बस, एंड अपनी अच्छी
खासी गहरी दोस्ती हो गई, हम दोनों एक ही साइड पे देख रहे हैं। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं एक बार तो यहाँ पे, क्या पता इसी की थंबनेल बना दे अपन। तो इसको अपन किसी एक काम कर देना, घर का वो कोना खाली पड़ा है वहीं पे लेके चलते हैं इसको, एंड देन उसके बाद देखते हैं अपन कहाँ रखते हैं इसको। एक बार तो यहाँ पे रख देते हैं इसको बोर्ड के अंदर ही, ताकि ये कहीं भागे ना, क्या पता कुछ काम आ जाए आगे जाके। तो यार ब्लॉक्स को तोड़ना भी एक तरह से बोरिंग काम है, मेरे को एक डोंकी ज़रूर मिल गया है, गधा मिल गया है एक अपने को, तो वो भी कुछ काम आ सकता है आगे जाके। एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट मिले हैं अपने को, एंड भाई एक और नहीं दो दो है यार, ये तो एक साथ दो दो प्रकट हुए हैं, तो एक को तो मैंने वहाँ बांध रखा है, दो दो और हैं, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, एक ही बहुत है अपने लिए, तो इनको थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं, उसके बाद ब्लॉक्स तोड़ता हूँ। एंड वन ब्लॉक में यार ठीक है अच्छी खासी प्रोग्रेस, क्योंकि यार अपने को जो ब्लॉक चाहिए वो आगे जाके फेस बाय फेस मिलते रह रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड उसके साथ ही जो प्रोग्रेस है ना वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि यार काफ़ी स्लो प्रोग्रेस होती है यहाँ पे, फेस बाय फेस वेट करना पड़ता है आइटम्स का। एंड ये ओ भाई ये तो हमला कर रहा है मेरे पे, ये भी पिलेजर ही है ना, बट इसके हाथ में एक्स नहीं है यार, ये भी हाथ से ही हमला कर रहा है मेरे पे। एंड भाई कैसे दौड़ रहा है मेरे पीछे पीछे, देखो ना यार कैसे दौड़ रहा है, अरे नहीं मैं फंस गया यार। ओ भाई एक्शन मारने के चक्कर में आधी हर्ट चले गए, नहीं 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 ये मार देगा मेरे को, उससे पहले काम करता हूँ, नहीं नहीं फिर से खाना क्या खाऊं यार, नहीं नहीं हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, मेरे को हाइट पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर जाता हूँ फटाफट से, कम ऑन निकल, ओके बच गए बच गए बच गए बच गए भाई बच गए, पीछे ही पड़ गया था यार मेरे, मैं तो यार पोज देने के चक्कर में बिल्कुल मर ही गया था यहाँ पे, बट चलो बच गए। ओ भाई वांडरिंग ट्रेडर उसके पास आया, बट जैसे पास आया फिर से भाग गया, उसको पता चल गया ये मार देगा मेरे को, इसलिए तो अपन इसको मार देते हैं उससे पहले कि अपने कुछ नुकसान करें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि हेल्थ अभी यार, एक काम कर सकते हैं इसके बाद इसको मार देता हूँ मैं, उसके बाद ना यार एक आर्मर पहन लेते हैं पूरा सेट, क्योंकि आयरन है इतने पास मेरे हिसाब से तो अपने पास, क्योंकि यार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है मॉब्स के साथ फाइट करना है, काफ़ी आगे जाते हुए डेंजर मॉब्स आने लग गए हैं अब। चलो ये तो मर गया है, एक एमरल्ड भी देके गया है, चलो ठीक है ये काम हो गया है। अब यार मैं फटाफट से आर्मर बना लेता हूँ। ऑलराइट तो अब इतने एपिसोड हो गए वन ब्लॉक के, बट अभी तक अपन ने आर्मर नहीं पहना है, तो 22 आयरन पड़े हुए हैं मेरे पास, तो सबसे पहले बनाते हैं हेलमेट, उसके बाद बनाते हैं पेंट, उसके बाद बनाते हैं चेस्ट प्लेट, एंड भाई एक चीज़ और बनानी थी मेरे को, ओके एडवांसमेंट हो गई सूटअप, बट मेरे को जूते चाहिए थे यार, बाहर बहुत धूप है क्या करूँगा मैं, तो मेरे पास 3 आयरन और हैं, 2 आयरन यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो टोटल 5 हो गए, तो जूते भी बन चुके हैं, तो इनको पहन लेते हैं। चलो अपना आर्मर सेट पूरा डन हो चुका है, आयरन पहुँच जाते हैं यहाँ पे, एंड नाउ लुक एट दिस भाई, एकदम से तैयार हो गए अब अपन फाइट के लिए, अब अपन कोई भी फाइट ले सकते हैं। ओके देखते हैं क्या मिलता है भाई, एक विलेजर और आ जाए जल्दी से, एक तो मिल ही चुका है, दूसरा भी आ जाए बस। ओ नहीं नहीं मॉन्स्टर पार्टी, रुक जाओ भाई आराम से भाई, हर फेज में एक मॉन्स्टर पार्टी ज़रूर होती है, एंड इस बार ओके काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं यहाँ पे, बंद हो जाते हैं एक बार तो घर के अंदर, एंड यहाँ से देखते हैं संख्या इनकी, 2, 3, 4, 5, 6 भाई काफ़ी ज़्यादा है यार मॉन्स्टर गार्ड, एंड वो पिलेजर वाले हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं अपने पीछे पीछे। तो मैं खाना खा लेता हूँ, एंड आर्मर तो अपन ने पहन रखा है, शील्ड कहाँ गई मेरी शील्ड, ओके डर्ट को ले लेता हूँ मैं भी, अपने को हाइट पे जाना पड़े, शील्ड लगा लिए मैंने, नाउ लेट्स गो, तैयार है अपन फाइट के लिए, आ जाओ भाई आ जाओ दोनों आ जाओ, मॉन्स्टर गार्ड मरने वाला हो दोनों आज अब। ओके लामा तू कहाँ आ रहा है भाई, ओ नहीं ये अब मेरे ऊपर उल्टिया करेगा यार, नहीं नहीं गेट बंद, अबे मेरे को भागना पड़ेगा, मर जाओ यार मर जाओ मर जाओ, ओके मर गया ये भी मर गया, 2 मर गए, इसके अंदर चलता हूँ बाकी मैं मर जाऊँगा। ओ नहीं ये गेट के अंदर कैसे आ गया, नहीं ओ मेरी हेल्थ 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 हेल्थ, सिर्फ एक हर्ट हाफ हर्ट, ओ भाई बच गया यार, काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, हाफ हर्ट बचा हुआ है सीरियसली, ओ भाई तो मैं फटाफट थोड़ी सी हर्ट बढ़ा लेता हूँ, एक इधर खड़ा हुआ है बाहर की साइड पे, एंड 3-4 बाहर हो रहे हैं तो उनको भी मारते हैं, लेट्स गो। नहीं 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक एक करके आओ यार,
भाई मेरा पेरोट ना मर जाए यार, लास्ट बचा हुआ है बेचारा। नहीं नहीं आराम से बैठ तू वहां पे, ठीक है? ओके लास्ट बार के लिए तैयार हो जाओ, चलते हैं बाहर आखिरी बार मॉन्स्टर पार्टी के लिए। एंड इनकी मॉन्स्टर पार्टी आज खत्म कर देते हैं अपन, लेट्स गो। इधर कोई नहीं है, सामने की तरफ तीन बंदे हैं। एंड ये तो वो है यार जो अटैक नहीं करता, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है मेरे पे। अबे इतना धीरे दौड़ा कर थोड़ा यार, पैर वेर ओ नीचे चला गया भाई। एंड ये वाला बंदा मारता नहीं है ना अपने को, वही वाला है। बट ओ भाई ये खुद ही चला गया यार, कि मैं नहीं मार रहा हूँ तुम नहीं मार रहे हो तो मैं ही कूद जाता हूँ। भाई ये सीन एपिक था यार। चलो इन्होंने जो डैमेज किया उसको तो कवर कर लेते हैं अपन, पूरा पैक कर लेते हैं इसको। ओके तो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक तोड़ दिया मैंने, काफ़ी मॉन्स्टर को भी मारा है, बट अभी तक मेरे को एक विलेजर नहीं मिला दूसरा यार। चलो मिलेगा तो सही इस फेज के अंदर यार, दो विलेजर तो मिलने ही चाहिए, बाकी मतलब क्या रहेगा फिर एक का। ओके मिल गया। ओ भाई विलेजर, अबे तेरी बात हो रही थी यार भाई, कितना खुशनसीब है तू, बहुत लंबी उम्र है तेरी इस वर्ल्ड में बहुत। मतलब एक तो ये रहा भाई, ये इसकी गर्दन उधर मुड़ गई। एंड ये बंदा भाई, ये जो फर्नांडो है इसका नाम क्या, सुजैन। तो ये दोनों बंदे मतलब फर्स्ट दो पर्सन है हमारे वर्ल्ड में, एंड इन यही हमारे पूर्वज होने वाले हैं आने वाली प्रजातियों के। अपन तो खैर अलग पीढ़ी के, तो अपना कुछ मतलब नहीं है इसका। तो ये यहाँ पे तो आ गया, इसको बोर्ड से उतारना पड़ेगा पहले। सुजैन फर्नांडो अंदर वेट कर रहा है तुम्हारा, यस लेट्स गो, आ जाओ अंदर आ जाओ। ओ भाई ये तो आ रहा है पीछे पीछे यार, काफ़ी समझदार है यार बच्चा। तो अभी तो बच्चा ही है, बच्चा तो नहीं है खैर बड़ा ही है बट। चलो तो सुजैन एंड फर्नांडो, सुजैन एंड फर्नांडो आराम से बातें करो यहाँ पे, तब तक मैं थोड़ी देर तुम्हारे सोने की व्यवस्था कर देता हूँ, बेड बनवा देता हूँ, खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ, ठीक है? मस्त रहना यहाँ पे। ओके तो फाइनली ये फेज भी खत्म हो गया। इस के अंदर दो एमरेल्ड हैं, बोटल ऑफ एनचेंटिंग एंड ये क्या है, कॉब वेब। ओके सीड सैम्पलिंग है, एमरेल्ड है। चलो ठीक है ये फेज भी खत्म हो गया, एंड काफ़ी अच्छा फेज था यार, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली। एंड ये क्या है भाई, फॉक्स ऐसे कैसे कूद रही है भाई, मजे ले रही यार। एंड लामा इसके अंदर कहाँ बैठ गया भाई, तेरे को क्या हो गया भाई, इसके साथ मत रहे यार, इसकी संगत बहुत ख़राब है। मैं कहाँ बैठ रहा हूँ इसके ऊपर भाई, इसकी गर्दन मुड़ी रहती है, तेरी लामा की भी मुड़ गई ऐसा लग रहा है, वो भी उस साइड ही देख रहा है। चलो इनको इनके हाल में छोड़ देते हैं, मस्त रहने देते हैं। तो मैंने स्टील के गेट बना लिए, स्टील के क्यों बोल रहा हूँ मैं, आयरन के गेट बना लिए। तो आयरन के गेट लगा देते हैं यहाँ पे, बटन लेके आया हूँ मैं इनके लिए, ताकि ये बाहर ना आ जाए यार, क्योंकि मॉन्स्टर पार्टी होती रहती है यहाँ पे अपने वर्ल्ड में। तो मॉन्स्टर पार्टी में मैं नहीं चाहता कि यार फर्नांडो एंड सुजैन भी हिस्सा लें। तो ठीक है चलो, गेट तो वर्क करने लग गया है। ओके यहाँ पे बटन अंदर जाना है, एंड यहाँ पे बाहर अंदर की साइड पे बटन बाहर जाने के लिए। तो विलेजर्स इसको नहीं क्लिक कर पाएंगे, तो इनको हटा देते हैं बोर्ड से ना। इनके लिए जो बेड लेके आए ना वो लगा देते हैं फटाफट से। तो फिलहाल तो तीन ही बेड बने हैं, थोड़ी बहुत वुल और इकट्ठा होगी तो और बना लेंगे। फिलहाल तो दो पे तुम सो जाओ यार, सो जाओ फटाफट से भाई, नहीं सो रहे बट चलो कोई बात नहीं, थके हुए हो, थके हुए क्या यार, कब से बैठे हुए हैं तो अब इनको सोने की इच्छा नहीं है, बाद में सो जाएंगे। एक बेड और लगा देते हैं ताकि एक छोटा बेबी आ जाए और, तो इनकी संख्या बढ़ जाए थोड़ी। एंड उसके बाद इनको थोड़ा सा खाना खिला लेते हैं, खाना खा लो यार, बहुत दिन से भूखे होंगे यार, जब से जन्म लिया है इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं खाया है तुम लोगों ने। ओके अब तो खुश हो, चलो ठीक है तो अपना काम जारी रखो, मैं चलता हूँ बाहर। ऑलराइट गाइस, तो काफ़ी अच्छा वर्ल्ड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जानवर आ चुके हैं, दो विलेजर्स भी आ गए हैं अपने पास। तो इन संख्या बढ़ जाएगी, इनकी ब्रीडिंग होने लग जाएगी। तो ये दो हैं फिलहाल, तीन बेड हैं, बाद में और बेड लगा देंगे धीरे धीरे करते हुए। एंड फिलहाल तो दोनों बातें बातें कर रहे हैं, मस्त हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।